नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ लता। एक और तो त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश के कोने कोने में विकास की गंगा बहाने की बात करती नजर आती है, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में किस हद तक विकास की गंगा बह रही है ये आप भी देखिए। पेश एक रिपोर्ट। यूं तो प्रदेश के मुखिया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आए दिन प्रदेश के कोने कोने का विकास होने का अलाप रखते नजर आते हैं, लेकिन आज हम आपको उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के विकास की असली तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जी हां, एक ऐसा गांव जहां आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी ना तो घर घर तक सड़क है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं, और सीएम साहब काम किए बगैर ही घर घर तक सड़क पहुंचाने का दम भरते दिखाई पड़ते हैं। और मजे की बात तो ये है कि डोईवाला में बसा ये नाही कला नाम का गांव खुद सीएम साहब के ही विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें ना तो सड़क है और ना ही जीवन यापन मात्र के लिए जरूरी सुविधाएं। वहीं गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक गांव में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार, आज न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम पहुंची है डोईवाला विधानसभा के एक ऐसे गांव में, एक दूरस्थ गांव में, जहां सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, यहाँ पर चरमराई हुई है काफ़ी लंबे समय से। इस गांव का नाम है नाही कला। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे, हमारी टीम यहाँ पे जब आ रही थी, हमने रास्ते देखे, यहाँ पर बिल्कुल भी जो सड़क है वो चलने लायक यहाँ पर नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं किस प्रकार से, अब जो सड़कें हैं किस प्रकार से, सारी सड़क सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सब कुछ यहाँ पर चरमराई हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएँ कब से ऐसी चल रही हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे ख्याल से तो पता ही नहीं है, 200-250 साल हो गए होंगे गांव बसे हुए। तो जो यहाँ पर ये स्वास्थ्य की, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधाएं तो नहीं है जी यहाँ पे, एक अस्पताल जरूर बना रखा है, लेकिन आप जानते हैं कि पहाड़ों में कभी आते हैं कभी नहीं आते स्टाफ ना, तो सबसे बड़ी समस्या तो असल में यहाँ पे सड़क ना होने की है। सड़क ना होने से तमाम लोगों का, इस गांव में 25 परिवार रहते थे, जिसमें से कि अब 10-12-14 रह गए हैं, जो बाकी लोगों ने पलायन कर दिया है, जिनका वैसे तो ज़मीनें भी लोगों की नीचे थी पहले से ही, लेकिन उस ज़मीन को भी देखने के लिए और लोगों ने काफ़ी पलायन कर दिया है, और जिसके कारण जो है अब जब सड़क नहीं है तो यहाँ जो बचे खुचे लोग हैं वो, उनका जो रोज़गार का साधन कुछ नहीं है। अगर सड़क होती तो लोग अपना कुछ दुग्ध व्यवसाय करते हैं, कुछ दूध थानों कहीं रायपुर बेचने के लिए ले जाते हैं, ये समस्या है। सड़क ना होने की वजह से कोई बीमार हो जाता है तो उसको बरसात में तो कुर्सी पे या चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री जी से आपने कभी इस बारे में बातचीत की? कई बार मुख्यमंत्री जब ये, जब कन्विंसिंग हो रही थी, जब चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पे आए थे मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ के लोगों ने यही दो मांग रखी है कि एक तो हमारा विद्याला नदी पे पुल बनना चाहिए और एक नाही कला जो 11 किलोमीटर सड़क है वो स्वीकृत होनी चाहिए और वो बननी चाहिए जल्दी से जल्दी। तो खैर 4 साल के संघर्ष के बाद बहुत मुश्किल से जब 3-4 ग्राम सभाओं ने जो है चुनाव बहिष्कार का निर्णय किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुल बन जाएगा तुम्हारा, पुल तो बन गया, ये खुशी की बात है, ये धन्यवाद दूंगा मैं मुख्यमंत्री को, लेकिन सड़क जो है, सड़क अभी तक नहीं बनी, जो कि मुख्य समस्या है यहाँ पे। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद भी इन्हें द्वितीय श्रेणी का आदमी माना गया है, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर जो सुविधाएं, वहाँ पर सारी सुविधाएं चरमराई हुई हैं, ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप? अमित मनवाल। तो कब से रह रहे हैं आप इस गांव में? मैं तो वैसे तो हम लगभग 3 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, मतलब मैं यहाँ आया हूँ, वैसे मेरा गांव सनगांव में है, पर एक ही वो है, सीमांत क्षेत्रीय है सब ना, तो हमारा जो मेन कनेक्ट होने का साधन है वो रोड है, सनगांव से नाही कला सतैली गैरवाल तक, तो अगर ये हमारी रोड अगर कनेक्ट हो जाती तो उससे जो है लगभग समस्याएँ सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसी चीज़ को जो ये लोग जो है मुद्दा बना रहे हैं कि जो है जब वोट बैंक या तो वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई यहाँ पे कितना वोट बैंक है, पहले वहाँ काम किया जाए जहाँ ज़्यादा वोट बैंक है,
तो जो है सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा तो इन्हें पता है लेकिन ये करते नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार की है आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य सुविधा तो समझ लीजिए जीरो है बिल्कुल, उसमें कुछ बोल नहीं सकते कि जीरो ही। क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से कि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, 2022 का चुनाव काफी करीब है हमारे जी, तो अब नेता लोग भी आएंगे, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए आप? कहना तो जी यही है, कह ही रहे हैं काफी जो हमसे पहले रहे उन्होंने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, हमारी तो सड़क की मांग है, सड़क अस्पताल बिजली पानी दुरुस्त हो, लेकिन सबसे पहले उनमें जो पहले नंबर पर वो सड़क होगी, जो पिछले 3-4 सालों से जो है स्वीकृत होके फाइल उसकी पड़ी हुई लेकिन अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, तो बस सड़क ही, अगर सड़क बनती है या हमें कोई आश्वासन तो पहले से देते आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो कुछ दिखा करके दिखाएंगे चुनाव से पहले पहले कि भाई कटिंग पे रोड पे काम लगा दें तब तो हम मानते हैं, नहीं तो हमारा तो सीधा आपकी बारे की तीनों ग्राम सभाओं का सनगांव सिंधवालगांव नाही का जो है बहिष्कार है, चुनाव बहिष्कार। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति भी मौजूद है जो हमें बताएंगे कि कब से ये अस्पताल नहीं खुला है, क्या कुछ यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है किस प्रकार चरमरा रखी है, टीचर स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं, ये जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अशोक तिवाड़ी। आप इसी गांव के रहने वाले बच्चे हैं? क्षेत्रीय निवासी हैं, हमारा गांव तो थोड़ा आगे पड़ता है, रामनगर उधर पड़ता है। बताया गया हमें कि ये स्कूल भी है और यहाँ पर हॉस्पिटल भी चलता था, क्या कुछ कहना है आपके इस हॉस्पिटल और स्कूल व्यवस्था के बारे में? सर व्यवस्था के बारे में ही हम लोग यहाँ तक अभी आज सर्वे करते करते पहुँचे हैं यहाँ पे, और अभी देख भी रहे हैं ये 2-in-1 है, स्कूल भी है और प्लस हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पे अगर कभी शिक्षक लोग आ जाते हैं तो वो अपनी क्लास चला देते हैं, और प्लस जो यहाँ के जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पे जो डॉक्टर लोग वगैरह चयनित हुए हैं वो तो खैर कभी हमने आज तक देखे ही नहीं है, ना कभी आते हुए ना कभी जाते हुए। हाँ जी। क्या है ये यहाँ पे खड़े हो? ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है तो यहाँ पे डॉक्टर आता है? हाँ कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं मतलब घूमने के लिए आते हैं खाली? हाँ आते हैं कभी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd में। स्कूल कहाँ है आपका? वहाँ ऊपर। अच्छा वहाँ पे टीचर हैं स्कूल में? हाँ जी। अच्छा और आप भी पढ़ते हो स्कूल? हाँ जी। कहाँ पे पढ़ते हो आप? वहीं ऊपर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। आप भी वहीं पढ़ते हो? हाँ जी। टीचर आते हैं स्कूल में प्रॉपर पढ़ाते हैं? हाँ जी। और ये जो ये हॉस्पिटल है कब से बंद पड़ा है यहाँ पर? ये कभी कभी खुलता है। कभी कभी खुलता है, डॉक्टर यहाँ पे परमानेंट नहीं बैठते हैं? नहीं जी। बिल्कुल जैसा कि आपको ने बताया था कि उन मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ये स्कूल व्यवस्था भी यहाँ पर इस प्रकार चरमराए हुई है कि यहाँ के बच्चों को अपने गांव से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर एक हॉस्पिटल तो बना देगा लेकिन डॉक्टर यहाँ पर कभी कभी आते हैं, ना कोई यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए। यह है मुख्यमंत्री जी की आदर्श विधानसभा डोईवाला विधानसभा। यही नहीं गांव वालों का ये तक कहना है कि सिर्फ चुनावी प्रचार के दौरान सीएम और उनके आला नेता इस गांव में मंडराते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद सरकार का एक भी नुमाइंदा गांव में पर नहीं मारता। वहीं गांव की महिलाओं का भी साफ कहना है कि जब तक सरकार गांव में रोड नहीं बना देती तब तक वोट भी नहीं दिया जाएगा। साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए उनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से वो अपने इस गांव के लेकर कि जिस पे वो कितनी पीढ़ियों से रह रही हैं। आप यहीं पर रहती हैं, क्या नाम है आपका? पार्वती देवी है। कब से रह रही हैं आप इस गांव में? यहाँ हमें तो 30-35 साल हो गए यहाँ आके। तो क्या कुछ मांग है आपके गाँव की? इतनी बुरी व्यवस्था, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? हमें तो यही मांग है कि हमें रोड चाहिए, व्यवस्था चाहिए हमें। अब बरसात में तो हमने पैदल जाना नीचे को है, बरसात में पूरी रोड बंद हो जाएगी। अब तो ये हमने हाथ से बनाई तब हमें आने जाने का रास्ता हो गया। अब इसके बाद हमें ऐसा है कि अगर नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री तो हमने बोर देना बिल्कुल मना है। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में आता है आपका गांव, तो क्या मुख्यमंत्री जी कभी आपके गांव में आए हैं? आए, बोर मांगने आए। वो उन्होंने बोला कि मैं तो 50 साल पहले आया था यहाँ की, तभी भी व्यवस्था ऐसी थी, ये गांव ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है कि हाँ सर हमारा इतना हुआ है ना मेट्रो तो हम अपना सिर पे लाए जी, 2 कमरा बनिए ना जलागम से, वो हम सारा अपने ऊपर लाए खच्चर के, कोई रोड नहीं थी कुछ नहीं। आपने देखा किस प्रकार से इस गांव के जो ग्रामीण है अपनी इस चरमराई व्यवस्था से कितने परेशान हैं और बार बार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे इस गांव की तरफ भी देखिए आप। तो ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने खोखले दावे और वादे जरूर किए हों, लेकिन धरातल पर आम जनता का दर्द कोई नहीं समझता। और दुर्भाग्य तो ये है कि हर बार जनता का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर ही किया जाता है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हर खबर में होगी हमारी नजर,
खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।